आज यानी 16 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के नेता उमर अब्दुल्ला ने ली मंत्री पद की शपथ। बाबा सिद्दीकी की हत्या को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों की रिपोर्ट का कहना है कि ये शूटर्स एक महीने से बांद्रा के अलग अलग लोकेशन से बाबा सिद्दीकी का पीछा कर रहे थे। बताया जा रहा है कि आरोपियों ने बाबा सिद्दीकी पर हमला करने से पहले यूट्यूब वीडियो की मदद से निशाना लगाना सीखा था। वायु प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट लगातार सख्ती बरतती रहती है। सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार को अपने पिछले आदेश का पालन न करने पर फटकार लगाई है। शंघाई सहयोग संगठन की मीटिंग के लिए इस्लामाबाद पहुंचे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान को उसी की धरती पर खूब सुनाया। उन्होंने कहा कि यदि आतंकवाद जारी रहेगा तो फिर कारोबार को प्रोत्साहन नहीं दिया जा सकता। 26 साल पुरानी दुश्मनी पल भर में खत्म होंगी। जी हां, बिश्नोई सभा के अध्यक्ष देवेंद्र बढ़िया ने कहा है कि सलमान खान अगर माफी मांग ले तो बिश्नोई सभा उन्हें क्षमा कर देंगी, लेकिन उन्हें मुकाम पर आकर अपनी गलती कबूल करनी होगी। बिश्नोई समाज ने रख दी ये बड़ी डिमांड। तत्काल न्यूज लाइव के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए।